आते हैं आगे और बात करते हैं उस पीआईएल की जिसको लेकर एक बार फिर इस वक्त अदालत के अंदर जेरे समात मामला चला गया है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से हुकूमत के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ है। और ये मामला है जी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल चला गया था और उस पीआईएल के अंदर ये कहा गया था कि पब्लिक लैंड यानी जो सरकारी ज़मीन है या पब्लिक लैंड है वो कहाँ कहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वहाँ पर खड़े किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की डिटेल्स सॉर्ट आउट की गई थी एक पीआईएल के ज़रिए से ये कहा गया था। और अब उसके बाद यह मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी था और सुप्रीम कोर्ट के बाद वापस हाई कोर्ट चला गया था। तो अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डिटेल्स मांगी है कि पब्लिक लैंड पर कहाँ कहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं बाय वे ऑफ इलीगल, यानी जहां पर वो इलीगली खड़े किए गए हैं, एनक्रोचमेंट के जरिए से खड़े किए गए हैं। और ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स आपने जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि आपने लद्दाख में भी बताने होंगे और कितने स्ट्रक्चर्स के खिलाफ आपने कार्रवाई की, उन्हें डिसमेंटल किया, उन एनक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है। ये डिटेल मांगी है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। और ये इंट्रीम ऑर्डर जो है ये 3/9/2020 को डिविजनल कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से कहा गया है कि वो जनाब डिटेल दे देंगे चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब को और जस्टिस संजय दर साहब को अक्टूबर यकुम तारीख से पहले पहले, यकुम अक्टूबर से पहले पहले सारी पब्लिक लैंड के हवाले से ये कहा गया कि वो आप बताइए कि कितनी है वहाँ पर, कितने स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स कितने हैं, इलीगल और लीगल की डेफिनेशन उसमें मांगी गई है और जितने इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उन्हें कितने हटाए गए और कितने नहीं हटाए गए। डिटेल प्रेजेंटेशन अब देनी होगी जी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब के सामने। आपको याद होगा 3/9/2020 को कोर्ट ने डायरेक्ट किया था डिविजनल कमिश्नर को कि वो सभी डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्ट करें कि रिलीजियस स्ट्रक्चर जहां जहां पर भी खड़े किए गए हैं उनकी तफसीलात जमा की जाए और कोर्ट के सामने रखी जाए, लेकिन मामला थोड़ा अटक गया था, नहीं आ पाया था। अब एक नोटिस दोबारा चली गई, एक ऑर्डर दोबारा चला गया है और यकुम अक्टूबर को दोबारा समाप्त भी हो सकती है। ये टेकिंग इन द मैटर कंसिडरेशन जो था ये उस वक्त मैटर सामने आया था जब यूनियन होम सेक्रेटरी ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 29 सितंबर 2009 में एक हलफनामे के जरिए से बात सामने रखी गई थी और बहुत सारी जगहों पर जी इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उसके बाद एक नोट चला गया था सभी रियासतों के लिए और सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए कि उस पीआईएल के हवाले से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी कि एक डिटेल सर्वे किया जाए और सारी डिटेल रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका सरकारों के सामने होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं थी और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर। वो भी एक वजह बनी है कि कल चीफ जस्टिस साहब ने जो है हमारी नज़र में इस बात को इंतहाई सीरियसली लिया है और जहां जहां पर भी पब्लिक लैंड के अंदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं उनकी तफसील जो है वो मांगी है और यकुम अक्टूबर से पहले पहले ये सारी डिटेल जो है वो कोर्ट के सामने जब